करता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? दिस इज काजल। ओके ओके, आपका नाम काजल है, कहाँ से हो? फ्रॉम आटा। फ्रॉम आटा। एक सेंटेंस आपसे मैं पूछना चाहूँगा, एक सेंटेंस है, अंग्रेजी कहाँ सीखी जाए? सनराइज पे। सनराइज पे, ये तो आपने जवाब दे दिया, लेकिन मैं ये चाह दिस इज तानिया। ओके, वेयर आर यू फ्रॉम? मनाना गांव। ओके, यू बिलोंग टू मनाना विलेज। ओके, एक सेंटेंस बताओगे? यस सर। सेंटेंस है, उन्होंने कुछ किताबें लिखवाई थी, आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? दे गॉट सम बुक्स रिटर्न। आपका क्या नाम है? दिस इज यामिनी फ्रॉम सर मालपुर। ओके, यू आर फ्रॉम मालपुर। ओके, एक सेंटेंस है बेटा, वह कल से काम कर रहा था। He had been working since yesterday. अब मैं चलता हूँ आपको लेके एक यहाँ इधर बीच में। आपका क्या नाम है? स्नेहा। यू आर स्नेहा, कहाँ से? सरमाल। वेलकम यू ऑल टू सनराइज इंग्लिश जंक्शन। सनराइज इंग्लिश जंक्शन के बच्चों से चलो कुछ सेंटेंस पूछते हैं प्रैक्टिस के रूप में, इससे उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मुझे पता भी चलेगा कि ट्रांसलेट कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते। सेंटेंस मैं पूछता हूँ किसी बच्चे से, शायद मैं हाँ इससे पूछ लेता हूँ। आप बताओ क्या नाम है आपका? सादिया। ओके, वेयर आर यू फ्रॉम? फ्रॉम पानीपत। यू आर फ्रॉम पानीपत, एक सेंटेंस बताओगे? यस सर। ओके, राधा को नए कपड़े खरीदने चाहिए थे, क्या इसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे? राधा शुड हैव बॉट न्यू क्लॉथ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो लगातार बच्चों से मैं क्वेश्चन पूछे जा रहा हूँ, अभी तक तो सब ने ठीक ठीक जवाब दिए है। सेंटेंस मैं पूछता हूँ आपसे, आपका क्या नाम है? दिस इज तानिया। ओके, वेयर आर यू फ्रॉम? मनाना गांव। ओके, यू बिलोंग टू मनाना विलेज। ओके, एक सेंटेंस बताओगे? यस सर। सेंटेंस है, उन्होंने कुछ किताबें लिखवाई थी, आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? दे गॉट सम बुक्स रिटर्न। वेरी गुड। ओके, आपने यहाँ पर ओके दे गॉट सम बुक्स रिटर्न, ये टेंस कौन सा बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपने यहाँ पर गॉट का प्रयोग क्यों किया? जब हम किसी और पे काम करवाते हैं तो मेन वर्ब की जगह हम गॉट का प्रयोग करते हैं। ओके, तानिया ने बताया कि जब सब्जेक्ट कोई काम खुद ना करके किसी और से करवाए तो वहाँ पर मेन वर्ब के लिए हम गेट गॉट गॉट का प्रयोग कर देते हैं, इसलिए गए सवाल था। मैं क्लैपिंग चाहूँगा इनके लिए। एक सेंटेंस मैं चाहता हूँ कि मैं डब्ल्यू एस से पूछूँ। ओके, उसके लिए आप रेडी हो? यस सर। एक सेंटेंस है, अंग्रेजी कहाँ सीखी जाए? सनराइज पे। सनराइज पे, ये तो आपने जवाब दे दिया, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका ट्रांसलेशन आप इंग्लिश में कैसे करोगे? वेयर टू लर्न इंग्लिश। वेयर टू लर्न इंग्लिश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये डब्ल्यू एस के साथ टू का प्रयोग किया है इसने और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाई है। अगला सेंटेंस मैं किसी बच्चे से पूछना चाहूँगा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? दिस इज यामिनी फ्रॉम सर मालपुर। ओके, यू आर फ्रॉम मालपुर। ओके, एक सेंटेंस है बेटा, वह कल से काम कर रहा था। ही हैड बीन वर्किंग सिंस यस्टरडे। ओके, यामिनी ने बताया ही हैड बीन वर्किंग सिंस यस्टरडे। ये टेंस कौन सा है बेटा? सर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है सर। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, वेरी गुड। और आपने यहाँ पर लगाया है सिंस यस्टरडे, आपने फॉर क्यों नहीं लगाया, सिंस क्यों लगाया है? सर सिंस किसी निश्चित समय के लिए लगाया जाता है, क्योंकि यस्टरडे है सर, वो निश्चित समय बताया गया। वेरी गुड, क्लैपिंग गुड़िया के लिए, बहुत बढ़िया। तो अगला सेंटेंस हम यहाँ इनसे पूछना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? दिस इज हिमांशु। हिमांशु आपका नाम है, कहाँ से हो? फ्रॉम गन्नौर। ओके, यू आर फ्रॉम गन्नौर। ओके, एक सेंटेंस आपसे मैं पूछना चाहूँगा, हम पिछले साल से यहाँ पढ़ा रहे थे। वी हैड बीन टीचिंग हियर सिंस लास्ट ईयर। वेरी गुड, ये टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, बहुत बढ़िया। आपने यहाँ पर सिंस का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि सर यहाँ पे टाइम निश्चित है। निश्चित समय के साथ किसका प्रयोग होता है? सिंस का। वेरी गुड, अब मैं चलता हूँ आपको लेके एक यहाँ इधर बीच में। आपका क्या नाम है? स्नेहा। यू आर स्नेहा, कहाँ से? मालपुर। शहर मालपुर से आप। एक सेंटेंस मैं आपसे पूछना चाहूँगा, विल यू बी एबल टू रिप्लाई कॉन्फिडेंटली? यस सर। ओके श्योर। सेंटेंस आपके लिए, उसको समय पर पहुँचना चाहिए था। ही शुड हैव रीच्ड ऑन टाइम। वेरी गुड, क्लैपिंग इनके लिए। अच्छा एक बात और बताओ, आपने शुड के साथ हैव लगाया है, क्यों लगाया है? सर क्योंकि चाहिए था के साथ शुड हैव आता है और शुड चाहिए के साथ आता है। ओके, स्नेहा ने बताया कि चाहिए था के लिए हम शुड हैव का प्रयोग करते हैं, चाहिए के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं, राइट ना? वेरी गुड, सिट डाउन। ओके, तो अगला ही सेंटेंस हम किसी और बच्चे से भी पूछना चाहेंगे, आपसे पूछा। आपका क्या नाम है? हर्ष। आपका नाम हर्ष है? ओके, फ्रॉम समालका। यू आर फ्रॉम समालका, ठीक है। ओके, सेंटेंस एक ट्रांसलेट करोगे आप? सेंटेंस है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। वेरी गुड, अब इन्होंने कहा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। एक तरफ इंडेफिनिट टेंस है तो दूसरी तरफ कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस है, तो इसलिए दो एक्शन साथ में हो रहे हैं, एक एक्शन पहले हुआ है, एक एक्शन हुआ है बाद में। पहले क्या एक्शन हुआ बताओ सारे, पहले काम क्या हुआ है? पहले पेशेंट मरा है और उसके बाद डॉक्टर आया, ओके ना? वेरी गुड, मैं एक सेंटेंस पूछना चाहूँगा, आप बताओगे? यस सर। ओके, सेंटेंस है,
हम एक कहानी पढ़ेंगे, तो इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे? वी शैल रीड अ स्टोरी। ओके, इन्होंने कहा वी शैल रीड अ स्टोरी। अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि हम एक कहानी जरूर पढ़ेंगे? We will read a story। यहाँ आपने will क्यों लगाया? Compulsion के लिए। ओके, एक रूल बनता है यहाँ पर, I और we के साथ नॉर्मल सेंटेंस में आता है shall, जबकि सब के साथ आता है will। लेकिन अगर बात प्रेशर की हो, compulsion की हो, तो वहाँ रूल उल्टा हो जाता है, वहाँ I और we के साथ आता है will, बाकी सब के साथ shall आता है। बहुत बढ़िया। ओके, एक सेंटेंस और पूछना चाहूँगा मैं। ओके, इन लड़की से पूछ लेता हूँ, क्या नाम है बेटा आपका? This is Kajal। ओके ओके, आपका नाम काजल है, कहाँ से हो? From Atta। एक सेंटेंस आपसे मैं पूछना चाहूँगा। ओके, सेंटेंस है, हम एक घंटे से इंग्लिश सीख रहे हैं, को इंग्लिश में हम कैसे बोलो? वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर एन आवर। ओके, इन्होंने कहा वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर एन आवर। आप ये बताओ मुझे टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इन्होंने बताया है यहाँ पर। ओके, आपने यहाँ पर फोर का प्रयोग क्यों किया, सिंस का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें समय अनिश्चित है, क्योंकि हमें नहीं पता इसमें कौन से घंटे से स्टार्ट हुआ है। ओके, अनिश्चित समय के साथ फोर का प्रयोग होता है, और निश्चित समय के साथ किसका प्रयोग होता है? सिंस का प्रयोग होता है। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, अगला सेंटेंस एक बार फिर पूछता हूँ आपसे। सेंटेंस है कि राधा अच्छा नाच सकती है, को इंग्लिश में कैसे बोलोगे? राधा कैन डांस वेल। राधा कैन डांस वेल। आपने यहाँ पर कैन का प्रयोग क्यों किया है? कैन का प्रयोग हम टैलेंट के लिए करते हैं और काबिलियत। ओके, कैन का प्रयोग होता है टैलेंट के लिए, काबिलियत के लिए, स्किल्स के लिए और कैपेसिटी के लिए कैन का प्रयोग होता है। किसी के अंदर कोई भी टैलेंट हो, वो कैन का प्रयोग करता है। सेंटेंस, एक सेंटेंस और मैं पूछना चाहूँगा मयंक से। सनराइज सेंटर पर कब जाया जाएगा, आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? अभी जाना चाहिए। मुझे इसका ट्रांसलेशन चाहिए था, इंग्लिश में कैसे बोलोगे आप इसको? When to go to sunrise center। Very good, बहुत बढ़िया। अगला सेंटेंस मैं पूछना चाहूँगा, किससे पूछो? आपसे। इससे एक बार आप इंग्लिश बताओ। सेंटेंस है, हमें किताब जरूर पढ़नी चाहिए, को इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे? We must read book। और मैंने हर किसी बच्चे से अलग अलग तरीके से सवाल घुमा फिर आगे भी पूछे हैं, लेकिन कोई बच्चा अटका नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है? के तो सनराइज इंग्लिश जंक्शन के हर एक बच्चे से घुमा फिर आगे भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, ट्रांसलेशन करवा के देखा है, सेंटेंसेस पूछे हैं, तो मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा किसी भी सेंटेंस पर, शब्द पर, वर्ड पर, प्रोनंसिएशन पर कोई भी अटका नहीं है, सब ने कॉन्फिडेंटली जवाब यहाँ पर दिए है। तो आप ये सब के सब सनराइज कोचिंग सेंटर के स्टार हो, यस सर हो, यस सर। हमारे व्यूवर्स को एक बार बाय कह दो। इनको बोलो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, अगली वीडियो में हम फिर से मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ, और यहाँ पर हर टेंस की प्रैक्टिस आज की वीडियो में हुई थी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट।